बनल गांव के बिगड़ल छौड़ी, अरे ऐली हमारा गांव पाव के पायल यस छन कवली, गह गह करे मोरा गांव दर्द दिल के बढ़ा के गईल, दर्द दिल के बढ़ा के गईल, आई नहीं तई में वो चार दिन खातिर बाकी हलमा मचा के गई, दर्द दिल के बढ़ा के गईल, दर्द दिल के बढ़ा के गईल, आई नहीं तई में वो चार दिन खातिर बाकी हलमा मचा के गई। अरे गोरी तोरे चुनरी पर लाल लाल रे, अरे गोरी तोरे चुनरी पर लाल लाल रे, रोड पर चलेलू कमाल चाल रे, गोरी तोरे चुनरी पर लाल लाल रे, रोड पर चलेलू कमाल चाल रे, कौने कलेजवा में करेलू पढ़ाई, लैका लैका में होला लड़ाई। तो उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होता है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होता है। तो आली कंधों पे थोड़ा सा हमको भार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब जी रोजगार चाहिए, जेब में पैसे नहीं जी है डिग्री लेकर फिरता हूँ, जेब में पैसे नहीं जी है, जेब में पैसे नहीं जी है डिग्री लेकर फिरता हूँ, बेरोजगार हूँ साहब जी रोजगार चाहिए। सिस्टम कोई भी चलाओ, एक सिस्टम चलना चाहिए, कोई भी पेपर हो, पेपर का तरीका कैसा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यूपी टेट का बीच में पेपर हुआ था और पेपर वायरल हो गया था, हालांकि वो अधिकारियों की वजह से वायरल हुआ था, नहीं तो वायरल नहीं हुआ था। तो उस पर शिकंजे कसने की जरूरत है। बीच में दरोगा की भर्ती हुई थी और अभी आप सुन रहे हैं कि 160 नंबर 150 नंबर वाले अभ्यर्थी भी पास हुए हैं, अब पकड़े जा रहे हैं। तो ये पकड़ने का जो क्रिया बाद में हो रही है, पहले होनी चाहिए। अगर ये पहली हो गई होती तो जो अभ्यर्थी पीछे छट रहे हैं उनका हो गया होता। हालांकि दिल में इच्छा है कि जो अभ्यर्थी छटे थे हो जाएंगे, लेकिन ये भ्रष्टाचारी है और इसको रोकने के लिए मैं गुहार लगाना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे गुहार लगाना चाहता हूँ, आप शिकंजा कसे, पेपर को एक सिस्टम से करवाएं, कहीं पेपर वायरल ना हो और जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं वो क्वालिफाई हों और जॉब कर सकें। देखिए आपको बता दें कि सही उन्होंने कहा है कि जो शिकंजा आज कसा जा रहा है, जो पेपर वायरल होने के बाद जब कोई बात उठती है चाहे कोई घटना होती है तो आप उसको पहले ही क्यों नहीं कर लेते, क्यों नहीं चोर को पहले पकड़ लिया जाता बाद में। वो इतना आपके पास व्यवस्था है, जबकि आपके पास सीसीटीवी कैमरेज हैं, आपके पास जो जबकि आज ऑनलाइन के पेपर का ज़माना है, ऑफलाइन जबकि आप लोगों में ऑफलाइन होता है शायद, ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन हो जाएगा, अब ऑनलाइन इसको ऑनलाइन करा देते तो सही रहता। सबसे बड़ी बात यही तक नहीं है, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ कि आज बेरोजगार हैं, जॉब के लिए नौकरी पर एग्जाम दिया है, उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। और मैं अगर सच में रोजगार देना है तो कम से कम 3 महीने 4 महीने के अंदर सब कुछ खत्म कर दिया जाए तो सही होना चाहिए एकदम सर इस सिस्टम से, क्योंकि जब सब कुछ ऑनलाइन है, आज एग्जाम दिया कल तक रिजल्ट आ जाता है। सर ये दरोगा का जो पेपर था ये ऑनलाइन था, इतना बड़ी भ्रष्टाचार देखने को मिला इसमें कि पेपर को कंप्यूटर को हैंग कर दिया गया, कंप्यूटर को यहाँ कह लिया, कंप्यूटर को हैंग करके बताइए 160 नंबर का क्वेश्चन है 150 आ गया और वो अभ्यर्थी पकड़ गए। हालांकि अच्छी बात है कि पकड़ गए, बहुत अच्छी खुशखबरी है, लेकिन इनको पहले पकड़ना चाहिए था जिसमें हैंग किए थे। चलिए उन युवाओं को क्या कहेंगे जिनके जो उसके हिसाब से कुछ, हाँ उन युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ, आप सभी लोगों को एक बार मैं गीत के माध्यम, हालांकि सभी लोग देख भी रहे होंगे वीडियो, कह रहे हैं कि सर आप बार बार बेरोजगारी, मैं भोजपुरी भी सुनाऊंगा आपको, अभी सुना दूंगा क्योंकि वीडियो समाप्त होगी, लेकिन मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप लोग मंजिल तो उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होता है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होता है। तो आप अपने मंजिल को, अपने टारगेट को बनाए रखिए, आप श्योर है कि आपको मंजिल मिलेगी, चाहे कितनी भी बड़ी बेरोजगारी हो, आप किसी क्षेत्र में जाएं कहीं ना कहीं आपको एक न एक दिन नौकरी मिलना ही है। हम कह रहे आज हमको भी नौकरी चाहिए, मैं इस मुद्दा को उठा रहा हूँ, आज नहीं कल नहीं परसों, एक न एक दिन नौकरी मिलेगी, हमको भी मिलेगी, हमें पूरा विश्वास है, बस ये सोच रहा हूँ थोड़ा जल्दी मिल जाए, इसलिए इस जॉब को मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूँ। कम से कम हमारे बात सुन लीजिए महोदय, बात नहीं सुन सकते तो हम लोग कब तक क्या करेंगे जी।
खाली कंधों पे थोड़ा सा हमको भार चाहिए। हम भी एक जिम्मेदार व्यक्ति बनना चाहते हैं घर के, और हमारे भी कंधे पे हमारी शादी भी हो गई, फैमिली भी हो गई, बच्चे भी हो गए, तो हमको भार चाहिए। गीत माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ, खाली कंधों पे थोड़ा सा हमको भार चाहिए। बेरोजगार हूँ साहब जी, रोजगार चाहिए। जेब में पैसे नहीं जी है, डिग्री लेकर फिरता हूँ। जेब में पैसे नहीं जी है, जेब में पैसे नहीं जी है, डिग्री लेकर फिरता हूँ। बेरोजगार हूँ साहब जी, रोजगार चाहिए। बेरोजगार हूँ साहब जी, रोजगार चाहिए। तो बेरोजगार हूँ मैं और बेरोजगार चाहिए। मेरे साथ बहुत से ऐसे युवा हैं दोस्तों, मेरे पीछे लाखों अभ्यर्थी पड़े हुए हैं। मेरे गीत के माध्यम से अगर मेरी गीत आपके पास पहुँचती है दोस्तों, तो एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मैं उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर क्षेत्र जखनिया से मैं पढ़ता हूँ, और मेरा नंबर है 7619088046। इस नंबर पे आप कॉल करें। बाकी कहीं भी आप संगठन बनाते हैं, कोई समुदाय बनाते हैं जिसमें आप इस मुद्दा को उठाना चाहते हैं, मैं अपने हारमोनियम को कंधे में बांध कर मैं आपके बीच आने के लिए तैयार हूं, और मैं गीत के माध्यम से सरकार को जागृत करने की कोशिश करूंगा। और आपको अगर अरुण भैया को लगातार आपको फॉलो करना है तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, पेज है अरुण परवाना लाइव। अरुण परवाना लाइव पे आप जाएं, मैं डेली का डेली इस मुद्दे पे मैं विचार कर रहा हूँ, और गीत के माध्यम से ही मैं हमेशा आ रहा हूँ। मैं जो भी बेरोजगारी की गीतें हैं उसको मैं डाल रहा हूँ, आप लोग देखें, उसको फॉलो करो और शेयर जरूर करें दोस्तों। इसलिए सारी बातें तो हो ही गई, एक बार रंगा रंग हो जाए ताकि इनका माइंड जो अब तक वास हुआ है। देखिए, मैं संगीतज्ञ हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बेरोजगारी चले, मेरा मुद्दा है वो अच्छी बात है, लेकिन मैं कुछ मनोरंजन भी करूँ ताकि आपको भी एंटरटेनमेंट हो सके। तो चले। अरे गोरी तोरे चुनरी पर लाल लाल रे, अरे गोरी तोरे चुनरी पर लाल लाल रे, रोड पर चले लू कमाल चाल रे। गोरी तोरे चुनरी पर लाल लाल रे, रोड पर चले लू कमाल चाल रे। कौने कल जवा में करेलू पढ़ाई, लैका लैका में होला लड़ाई होला लड़ाई। अरे लैका चिल्लाल सब माल माल रे, अरे लैका चिल्लाल सब माल माल रे, रोड पर चले लू कमाल चाल रे। गोरी तोरे चुनरी बलाल लाल रे, रोड पर चले लू कमाल चाल रे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है कमेंट कर बताइएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि ऐसे ऐसे युवा जो आज बेरोजगार होने के बाद उस स्थिति में हैं कि हारमोनियम लेकर के गीत सुनाना पड़ रहा है, सरकार को जगाना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति सबके साथ ना आ जाए, क्योंकि लगातार कोशिशें जारी है सत्ता एक्सप्रेस के भी ऐसे ऐसे युवाओं को दिखाते रहने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अरुण भैया जुड़ने के लिए शुक्रिया, और आप इसी तरह लगातार मेहनत कर दिए, हम आप सबकी आवाज़ उठाते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। रोक ले भैया, था लड़का टिप्पणी।